हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ उड़िया स्पेशल काकड़ा पिठा। इसके लिए मैंने 1 ग्लास के करीब पानी कढ़ाई में चढ़ा दिया है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक। साथ ही मैंने यह 1 कटोरा के करीब सूजी ले लिया है, अच्छी तरह से साफ कर लिया है इसे। 1/2 कटोरा के करीब चीनी इसमें मैं ऐड कर देती हूँ। साथ ही घी, गाय की शुद्ध घी 1 स्पून के करीब। पानी गर्म हो रही है तब तक मैं ये 2 स्पून के करीब राइस फ्लोर मैंने ले लिया है। इसे नॉर्मल पानी, हल्का सा नॉर्मल पानी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अब इसमें राइस फ्लोर का ये घोल मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, चलाते हुए लगातार इसे अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। अब इसमें ऐड कर दे रही हूँ सूजी, लगातार चलाते हुए, वरना इसमें ढीला पड़ जाएगा। इसे इस तरह से लगातार चलाते रहना है जब तक कि यह अच्छी तरह से डो की तरह तैयार ना हो जाए। इस तरह से कढ़ाई से एकदम अलग हो गई है, इसका डो तैयार हो गया है। बस अब इसे ऑफ कर देती हूँ। डो हमारा ऑलमोस्ट तैयार है, इसे अच्छी तरह से सेट कर लेती हूँ इस तरह से चकली पर रख के। मैंने कढ़ाई ले लिया है, डाल देती हूँ ऑयल। मैंने थोड़ा सा डो इसमें से निकाल लिया है, बाकी की डो को एक बर्तन में ढक के रख देना है। इस तरह से इसका मैं छोटे छोटे बॉल्स बना लेती हूँ। इस तरह से हल्के हाथों से मैं पेड़ा तैयार कर लेती हूँ। इस तरह को पेड़ा को अच्छे तरह से धीरे धीरे बेल लेना है, हल्के हाथों से, थोड़ा मोटा ही रखना है। देखिए इस तरह का शेप देना है। इसे बेलने के लिए मैंने हल्का सा ऑयल यूज किया है। इसे हल्के हाथों से धीरे धीरे बेलना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। देखिए जस्ट इस तरह का। ऑयल गर्म हुआ कि नहीं चेक कर लेती हूँ। अब मैं इसमें एक एक कर डालती हूँ। इसमें ज्यादा ऑयल रह जाता है, इसलिए इसे दबा के इस तरह से निकालना है। देखिए इतना ऑयल निकला, इसे दबा देना है। अब तलने के समय इसका फ्लेम ना ज़्यादा लो में रखना है, ना ज़्यादा हाई में रखना है, मीडियम फ्लेम में ही इसे अच्छी तरह से तल लेना है, हल्का सा ब्राउन। और इसे इस तरह से दबाते हुए इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देना है। लीजिए तैयार है। साथ में मैंने एक इसमें नारियल का फूल मैंने डाला हुआ है। देखिए इस तरह से के अंदर में मैंने नारियल का लड्डू बनाने का मैंने लिंक शेयर किया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल में। आप नारियल का पूर बनाने के लिए आप उसे सर्च कर सकते हैं। इसे भी इसमें डाल के पूरी की तरह बेल के छान लेना है। यह और एक तरह का काकड़ा पिठा तैयार हो जाएगा, स्टफिंग वाला और ये नॉर्मल वाला। मैं नारियल के लड्डू के साथ सर्व कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये रेसिपी? अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए तो
लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।